हेलो एवरीवन, दिस इज मी चिराग शर्मा और आज की जो वीडियो है दिस इज अबाउट थिंग्स जो आई विश कि मुझे कोई बता देता जब मैं इंडियन ई-कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करने वाला था तब। सो दैट्स द होल रीजन व्हाई मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। एंड जो लाइक मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीजें ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए एक इंडियन ई-कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, या अगर आपके पास ऑलरेडी इंडियन ई-कॉमर्स का बिजनेस है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं वो कवर करने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, दैट इज कि इंडियन ई-कॉमर्स लोग स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग अगर कर रहा है, अगर वो बंदा अब जाके इंडियन ई-कॉमर्स स्टार्ट कर रहा है तो होगा क्या, अगर आप इंडियन ई-कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एंड इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग आप बिजनेस करते थे तो इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग के बिजनेस में ऑर्डर्स लाने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। फेसबुक एड्स अगर आप यूज कर रहे हो तो काफी सारे उसमें आपको टेस्ट करने पड़ते हैं। बट इन केस ऑफ इंडियन ई-कॉमर्स, अगर आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, आपने एक दो प्रोडक्ट भी टेस्ट किए तो आपको ऑर्डर्स काफी इजीली आ जाते हैं कंपेयर टू इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग, जहां पे आपको कम से कम 5-10 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट टेस्ट करने पड़ते हैं, उसमें फिर बजट अलग से लगता है एंड उसमें इंटरेस्ट बहुत सारे लाइक आपको टेस्ट करने पड़ते हैं इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग में। बट इंडियन ई-कॉमर्स में आप रैंडम कोई भी इंटरेस्ट डालोगे तब भी आपको सेल्स आने के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत हाई होते हैं। सो दैट्स द मेन थिंग। सो दिस इज एक पॉजिटिव थिंग एज वेल एज एक नेगेटिव थिंग, बिकॉज इंडियन ई-कॉमर्स में सेल्स स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा आपको आ रही है। जो रेवेन्यू आपका होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। इंडियन ई-कॉमर्स में जो फेसबुक एड्स के थ्रू आपको ऑर्डर्स आएंगे, दैट इज योर रेवेन्यू। दैट मीन्स कि वो कैश ऑन डिलीवरी अगर आपने रखा है, बिकॉज बिना कैश ऑन डिलीवरी के इंडिया में ऑर्डर्स नहीं आएंगे आपको, तो आपको कैश ऑन डिलीवरी रखना पड़ेगा। एंड बिकॉज आपने कैश ऑन डिलीवरी रखा है तो होगा क्या, लोग एक्सेप्ट करें ना करें वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। एवरेज इंडिया में रहता है 10-30-40% तक आर्टी हो जाता है, एंड इससे ज्यादा भी जाता है अगर आप प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे में बेच रहे हो, या फिर जो आपका प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो इस टाइम पे उसका लाइक उतना लाइक इट्स नॉट वर्थ दैट प्राइस, दैट्स व्हाई लाइक लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो काफी ज्यादा लाइक इसमें फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करता है आपका आरटीओ, फिर उसी अकॉर्डिंग होगा। तो आपको उन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इन दिस केस। नाउ अब अगर हम बात करें कि जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस टाइम पे इंडियन ई-कॉमर्स, आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको काफी इजिली ऑर्डर आ जाएंगे, बट डू नॉट स्केल इट इनिशियल स्टेज पे, बिकॉज आपका सारा का सारा प्रॉफिट जो होगा वो होता है आरटीओ, आपका परसेंटेज कितना है उसके बेसिस पे। आरटीओ परसेंटेज का मतलब हो गया कि कितने प्रोडक्ट जो है आपके वो डिलीवर नहीं हो रहे और वापस आपके ओरिजिन, रिटर्न टू ओरिजिन आरटीओ परसेंटेज का मतलब हो गया। जैसे कि 100 में से अगर 20 प्रोडक्ट वापस आपके पास आ रहे हैं बिकॉज कैश ऑन डिलीवरी आपने रखा है एंड लोग उसके लिए कैश नहीं दे रहे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अलग अलग रीजन होते हैं इसके, हो सकता है उनको इंटरेस्ट नहीं रहा, हो सकता है वो आउट ऑफ स्टेशन कहीं पे है, तो बहुत सारे रीजन होते हैं एंड उसकी वजह से जब वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो एवरेज जैसे मैंने आपको बताया 10-30%, काफी केसेस में 8-7% 6% तक भी जाता है, वो लाइक ब्रांडिंग वगैरह करनी पड़ती है, वो अलग टाइप की चीज हो जाती है। नीश के अकॉर्डिंग भी आरटीओ परसेंटेज डिपेंड करता है, बट द पॉइंट हियर इज आरटीओ परसेंटेज जो होता है उसी के ऊपर आपका प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करेगा इंडियन ई-कॉमर्स में। जो आपका रेवेन्यू है वो लाइक अलग चीज है, रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। उसमें अगर 20% है 30% है तो उस अकॉर्डिंग आपको जो प्रॉफिट मार्जिन होता है आपको उस अकॉर्डिंग पहले से रखना पड़ता है। इंडियन ई-कॉमर्स में जैसे हम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो इस केस में क्या होता है, बिकॉज आप लाइक प्रोडक्ट में क्या होगा, आपका एड कॉस्ट लगेगा, आपका शिपिंग का कॉस्ट लगेगा, उसके बाद आपको आरटीओ का मार्जिन अगर 20% रहेगा तब कितना रखना है एंड उसके बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन आता है। तो लेट्स से अगर आपके 100 का प्रोडक्ट है, 100 रुपए की एड लग गई, 100 रुपए का शिपिंग लग गया, तो अराउंड 300 रुपीज का आपका फिक्स खर्चा इसमें आ गया। उसके बाद का आपका जो कॉस्ट होगा वो मार्जिन आपको देखना पड़ेगा कि आरटीओ कितने इसमें आ सकते हैं। 30% अगर आप मान के चल रहे हो तो 100-200 रुपीज आरटीओ के लिए रखिए एंड उसके बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन। तो पहले तो आपको अपना आरटीओ जो परसेंटेज है आपको देखना पड़ेगा कि ब्रेक इवन आरटीओ परसेंटेज कितना है, लाइक कितना आरटीओ अगर आपको आएगा, फॉर एग्जांपल अगर 100 में से 30 प्रोडक्ट आपके पास वापस आ रहे हैं तो 30% आरटीओ में कितना आपका लॉस हो रहा है या फिर कितना प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा बहुत अगर हो भी रहा है, 40% में कितना हो रहा है, 50% में कितना हो रहा है, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एंड आरटीओ परसेंटेज कैलकुलेट करने का काफी सिंपल मेथड ये है कि आप देख सकते हो कि अगर आपने 100 प्रोडक्ट भेजे हैं एंड 100 में लेट्स से आपको 200 का मार्जिन मिल रहा है, लेट्स से 100 का जैसे मैंने आपको बताया था, आप 300 रुपीज एड कॉस्ट शिपिंग कॉस्ट, उसके ऊपर लेट्स से आपने 200 रुपीज का मार्जिन रखा है, जीएसटी में इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं आपको एक एस्टिमेट के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो 200 का मार्जिन है,
अगर 70 प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाते हैं तो 70 × 200 रुपीज जो कि हो गया अराउंड 14,000 रुपीज का आपको इसमें प्रॉफिट होगा। बट बिगेस्ट वो जो 30 प्रोडक्ट्स है वो डिलीवर नहीं हुए, उसमें ऑलरेडी एड कॉस्ट एंड शिपिंग कॉस्ट लग चुका है, प्रोडक्ट तो वापस आ जाएगा आपके पास, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट उसमें हम ऐड नहीं कर पाएंगे। तो 30 × 200 रुपीज अगर हम देखें एड कॉस्ट प्लस शिपिंग कॉस्ट तो अराउंड 6,000 रुपीज होता है, तो 14,000 − 6,000 रुपीज जो कि हो गया अराउंड 9,000 रुपीज, तो उतना आपको प्रॉफिट इसमें होगा। एंड दिस इज एक रफ एस्टिमेट मैं आपको बता रहा हूँ, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको फिर ये चेक करना पड़ेगा कि अगर 50% आरटीओ आ रहा है तब कितना आपको प्रॉफिट बचेगा। 50 × 200 रुपीज जैसे हम मार्जिन मान रहे हैं तो वो हो गया 10,000 रुपीज, एंड अगर हम 50 × 200 ही मानेंगे बिकॉज 200 रुपीज एड कॉस्ट प्लस शिपिंग कॉस्ट, एंड हमने मार्जिन भी इतना ही रखा था, 300 रुपीज का प्रोडक्ट हम 500 में बेच रहे थे, 100 रुपीज प्रोडक्ट कॉस्ट, 100 रुपीज शिपिंग कॉस्ट एंड 100 रुपीज फिर एड कॉस्ट हो गया 300, एंड हम इसे बेच रहे हैं 500 रुपीज का, 200 रुपए का इसमें मार्जिन है, तो दोनों ब्रेकआउट हो गया। मतलब 50% आरटीओ अगर आपको आएगा तब आप ब्रेक इवन फेज पे इसमें आ जाओगे, तो इस अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे इस केस में 50% पे आप ब्रेक इवन पे आ रहे हो, ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा इसमें, बाकी फिर आप अलग अलग चीजें जीएसटी वगैरह ऐड करके ये सारा कैलकुलेशन कर सकते हो। रफ एस्टिमेट मैंने आपको बता दिया कि ऐसे आपको कैलकुलेट करना है अपना आरटीओ का परसेंटेज, एंड उस अकॉर्डिंग आपको फिर मॉनिटर करना है कि वो जो प्रोडक्ट्स है उसका आरटीओ परसेंटेज कितना आ रहा है, आप उसमें प्रॉफिटेबल हो या फिर नहीं हो। अगर उसमें आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो वो प्रोडक्ट को अवॉइड करो एंड स्टार्ट विद एक नया प्रोडक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली इंडियन ई कॉमर्स या फिर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग इट्स ऑल अबाउट वन विनिंग प्रोडक्ट। एक अच्छा आपको प्रोडक्ट मिल गया, आप उससे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, एंड अगर आप एक ही प्रोडक्ट पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो एंड आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहा बट यू जस्ट होपिंग कि एक दिन वो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल होके देगा या फिर आरटीओ परसेंटेज उसका अगर 30-40% है उसका कम होता रहेगा, तो ऐसी चीज नहीं होती, उसमें आपको काफी ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेगी। उसकी जगह अगर आप शिफ्ट करते हो अपना फोकस टुवर्ड्स एक अलग प्रोडक्ट, उस केस में आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल होने के चांसेस रहेंगे। सो दैट्स दी मेन थिंग आपको समझनी पड़ेगी। काफी लोग मैं देखता हूँ दे स्टार्ट अपना इंडियन ई-कॉमर्स का बिजनेस, उन्हें लगता है दिन के लाइक 100 ऑर्डर आ गए, 1,00,000 की सेल आ गई, 2,00,000 की सेल आ गई, बट फिर वो लाइक 1-2 हफ्ते में अपना बिजनेस जो है इंडियन ई-कॉमर्स का वो बंद कर देते हैं। एंड यही मेन चीज है, उन्हें लगता है कि फेसबुक का जो ऑर्डर्स है, फेसबुक का जो रेवेन्यू आपको दिख रहा है अपने स्टोर पे, दैट इज नॉट योर प्रॉफिट। वो उसी को प्रॉफिट समझ के उसी में सारा इन्वेस्ट कर देते हैं एंड बाद में फिर आरटीओ परसेंटेज ज्यादा आता है तो फिर वो लॉस में जाके अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। इंडियन ई-कॉमर्स में अभी बहुत पोटेंशियल है, बहुत प्रॉफिट है इस टाइम पे, बट इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट करेक्ट प्रोडक्ट जिसके लिए क्वालिटी भी अच्छी हो एंड जो लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो एंड उसका लाइक ज्यादा ऑर्डर्स आपको आए, मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड अच्छा हो। अगर आप जो हर कोई बेच रहा है उसी पे फोकस कर रहे हो तब आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा, तब आप वापस से उस रेड ओशन स्ट्रेटजी में चले गए जहां पे ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिशन है। फोकस ऑन ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, जहां पे ब्लू ओशन सिंपल मतलब हो गया जहां पे इस टाइम पे ज्यादा लोग नहीं है, तो दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स पे फोकस कीजिए। इंडिया में एक्सपेरिमेंट लाइक आप बहुत कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस अकॉर्डिंग ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। सबसे ईजी वे इज कि आप ड्रॉप शिपिंग करवाओ या फिर आप इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट्स बल्क में परचेज करो, अपने पास रखो, या आप अगर वो चीज़ नहीं चाहते तो आप बल्क इंडिया यूज कर सकते हो या फिर इंडिया मार्ट देख सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने ये चीज़ देखी है, काफ़ी लोगों का मेरे पास लाइक मैसेज वगैरह आए हैं कि मीशो वगैरह वो यूज़ करते हैं, ग्लोरो यूज़ करते हैं, उसमें उनको लाइक प्रॉफिट नहीं मिलता या फिर उनको कुछ बचता नहीं है। एंड आई टेल यू एक चीज़ अबाउट दिस, अगर आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो लाइक अगर हम मीशो की बात करें, Shop 101, ग्लो रोड वगैरह, तो उस केस में क्या होता है, जो आपका लेट्स से आपने आज 100 प्रोडक्ट भेजे उसमें से 40-50 डिलीवर हुए या 60 डिलीवर हुए, तो सारा का सारा जो प्रॉफिट है या फिर रेवेन्यू अगर हम बात करेंगे, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है, पेमेंट सारी उस कंपनी के पास जाएगी, डायरेक्ट आपके पास नहीं आएगी। तो वो जो कंपनी होती है उनको अपना भी लाइक प्रॉफिट मार्जिन देखना पड़ता है, आरटीओ परसेंटेज वगैरह देखना पड़ता है, वो कभी भी अपने आप को लॉस में ले जाके आपको पैसे नहीं देगी। सो दैट्स द थिंग, अगर वो अपना सारा लाइक प्रॉफिट वगैरह रखेगी, उसके बाद जो बचेगा वो आपको देगी। रादर देन दैट, अगर आप खुद का इंडिया मार्ट पे देख रहे हो या फिर बल्क इंडिया .in जिस मैंने वेबसाइट बनाई है, या फिर आप कोई भी और मीडियम के थ्रू ड्रॉपशिप कर रहे हो, ना उस केस में बिकॉज शिपिंग जो पार्टनर है वो आपका है, शिपिंग लेबल आपके हैं, तो आपका जो रेवेन्यू है वो डायरेक्ट कस्टमर से आपके अकाउंट में आएगा, ना कि लाइक कोई मीडियम में थर्ड पार्टी के पास। सो दैट्स एक थिंग जिसका लाइक आपके पास कंट्रोल होगा एंड उस अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। बाकी अगर आप इन सब लाइक चीजों में हो, ग्लो रोड या फिर मीशो वगैरह,
उस केस में पेमेंट्स जो होगी वो डिले होती रहती है एंड आपको लाइक एग्जैक्ट कभी भी ग्रोथ उसमें नहीं मिल पाएगी बिकॉज आपके पास एक तो प्रोडक्ट्स वहाँ पे महंगे होते हैं एंड वही प्रोडक्ट आप ज्यादा मार्जिन में नहीं बेच सकते एंड अगर आप बेचोगे तो आरटीओ परसेंटेज ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली उतना ज्यादा ये चीज प्रॉफिटेबल नहीं है अगर आप ऐसे टाइप के ऐप्स यूज कर रहे हो जिसमें जो पेमेंट है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो दिस इज समथिंग जो कि काफी लोगों ने मुझे बताया, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग एक्सपीरियंस। एंड एक और पॉइंट अबाउट दिस इंडियन ई-कॉमर्स, जैसे कि आप इंडियन ई-कॉमर्स आपने स्टार्ट किया आज, लेट्स से आपको पहले दिन ही 20 ऑर्डर्स आ गए, 30 ऑर्डर्स आ गए, फिर नेक्स्ट दिन आपने उसका बजट बढ़ा दिया और ज्यादा ऑर्डर्स ला रहे हो, इस केस में क्या होगा, डिलीवरी परसेंटेज और आरटीओ परसेंटेज एग्जैक्ट पता करने में आपको अराउंड 3 या 4 डेज लगेंगे, एवरेज रहता है 3-4 दिन में वैसे प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं एंड उसके बाद पैसे आने में अराउंड 2-3 दिन और लग जाएंगे, तो टोटल अराउंड 6-7 दिन लग जाते हैं एग्जैक्टली पता करने में कि आरटीओ आ रहे हैं प्रोडक्ट्स या फिर नहीं आ रहे, कितने परसेंटेज डिलीवर हो रहे हैं। तो उस केस में आपको काफ़ी अच्छे से मॉनिटर करना पड़ेगा कि इस टाइम पे आपका प्रोडक्ट किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है एंड जो आपकी फेसबुक एड्स है वो कहीं ऐसी टाइप की स्टेट्स में फोकस तो नहीं कर रही जहां पे आपको आरटीओ परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है। सो दैट इज समथिंग जो कि आपको इनिशियली काफ़ी ज़्यादा इस पर चेक करना पड़ेगा एंड आपको देखना पड़ेगा कि आपको आरटीओ परसेंटेज आ रहा है तो क्यों आ रहा है। कई बार ऐसा मैंने ये चीज़ देखी अपने एक्सपीरियंस में, अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स कर रहे हो स्टार्टिंग में तो जो आपको ऑर्डर्स आएंगे वो आते हैं लाइक जम्मू एंड कश्मीर के या फिर लच्चे ऐसी टाइप की सिटीज से जहां पे एड कॉस्ट भले ही आपको कम आएगा बट आरटीओ परसेंटेज ज्यादा आएगा, तो आपको अल्टीमेटली वो सारी सिटीज या फिर लच्चे वो पर्टिकुलर पिन कोड आपको एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, तभी उसके बाद फेसबुक के पिक्सल को पता चलेगा कि आपको किस टाइप के ऑर्डर चाहिए, कहाँ से ऑर्डर चाहिए एंड फिर वो वहां पे फोकस करेगा। सो दिस इज समथिंग जो आपको अपने फेसबुक के पिक्सल को ट्रेन करना पड़ता है एंड दिस इज समथिंग जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि आपको क्वालिटी ऑर्डर्स आए एंड आपका आरटीओ परसेंटेज ज्यादा ना बढ़े। तो ये थे मेन मेन पॉइंट्स जो कि आई वांटेड टू शेयर, बिकॉज जब भी कोई स्टार्ट कर रहा है ये चीज आपको माइंड में क्लियर रहेगी कि योर रेवेन्यू इज नॉट योर प्रॉफिट एंड आपको लाइक ध्यान रखना है अपने आरटीओ परसेंटेज का, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इंडियन ई-कॉमर्स में आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट इज योर आरटीओ परसेंटेज, जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा, बिकॉज इंडियन ई-कॉमर्स में आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन आरटीओ परसेंटेज एंड आरटीओ परसेंटेज बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट द इजिएस्ट वन इज कि प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए, फोकस ऑन प्रोडक्ट्स जिसमें आपका आरटीओ परसेंटेज कम आ रहा हो एंड कॉम्पिटिशन उतना ज्यादा ना हो। इट कैन बी एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बिकॉज इंडिया में पोटेंशियल लाइक बहुत बहुत ज्यादा है। इंडिया में मैंने ये चीज देखी है कि अगर आप कोई नॉर्मल प्रोडक्ट भी देखते हो जो कि ऑनलाइन इस टाइम पे ना हो एंड जो कि ज्यादा नॉर्मली अवेलेबल भी ना हो, बट अगर आप वैसे टाइप के प्रोडक्ट्स भी प्रमोट करोगे जिसका लाइक लोगों को लगता ही नहीं है वो बिकेगा, वो तक ऑनलाइन 10-20-30 रिटर्न ऑन एड स्पेंड में तक बिकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक रिसर्च, आप रिसर्च करते रहिए, देखते रहिए नए नए प्रोडक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट करते रहिए। इट्स की जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जैसे डर्मा सेक्शन हो गया, वो बहुत बहुत अच्छा बिकता है एंड लोग उसे बहुत ज्यादा बेच रहे हैं एंड नॉर्मल प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे सोलर एलईडी हो गया या फिर नैनो मैजिक टेप हो गया या फिर रेजिस्टेंस बैंड आपने देखा होगा, पोर्टेबल जूसर देखा होगा, इसमें भी लोग लाइक काफी एक्सपेरिमेंट करके अपना प्राइस पॉइंट एक देख के इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इट्स नॉट कि लाइक प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा यूनिक चाहिए तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे, जो ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में इजीली उसमें भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, बट इट्स जस्ट कि लाइक आपको अपना प्राइस पॉइंट उस अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, एनडीआर पे फोकस करना पड़ेगा। तो दिस इज लाइक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसमें आपको डेली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करनी है एंड बिकॉज इंडिया में पोटेंशियल इतनी है, ऑर्डर्स इस टाइम पे आपको आ रहे हैं, आप इजीली इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू अपना बिजनेस आप सारी चीजें आराम से कर सकते हो एंड आप मॉनिटर कर सकते हो किसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है, किसमें आपको लॉस आ रहा है एंड उस अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस उस डायरेक्शन में ले जा सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट ऑडियंस एंड उसी पे आपको फोकस करना है एंड जब आपको वो ऑडियंस मिल जाए फिर उसके अराउंड अपना ब्रांड क्रिएट कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मैं आपको पहले से बता रहा हूँ इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग एक लॉन्ग टर्म ब्रांड इन इंडिया अगर आप इंडियन ई-कॉमर्स करना चाहते हो तो। बाकी ब्रांडिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट की बात करें जैसे रेजिस्टेंस बैंड की अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस बैंड आपका अगर अच्छा चल रहा है सिंपली उसके एक नए बॉक्सेस बना दीजिए एंड बॉक्सेस में फिर आप वो प्रोडक्ट डाल सकते हो। आप स्टार्टिंग में ब्रांडिंग का इनिशियल फेजेस अपने बॉक्सेस बनाइए, फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट पे भी वो लेबलिंग वगैरह करवा सकते हो, वो एक लेटेस्ट स्टेज की बात हो गई। इनिशियली द इजिएस्ट थिंग इज बॉक्सेस वगैरह बनाना या फिर अपने खुद के एनवेलप्स बनवाना, वो सारे लाइक जो पैकेट्स होते हैं पीओडी के उसमें लाइक मिनिमम वैसे रहता है क्वांटिटी इज 500 या फिर 1000 पीसेस,
जितने ज्यादा पीसेज होंगे उतना ज्यादा कम बनेगा, लाइक रेट आपका कम लगेगा। तो दैट्स द थिंग, इनिशियली थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट उसमें लगेगी, बट दैट इज जब आप प्रॉफिटेबल होने लग जाओ आप वही मनी जो है वो री इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सब चीजें रहती हैं इंडियन ई-कॉमर्स। आई होप कि लाइक आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी इससे मिली होगी। बाकी अगर आप लाइक अभी तक सोच ही रहे हो कि इंडियन ई-कॉमर्स स्टार्ट करना है, तो माय एडवाइस टू यू इज जस्ट स्टार्ट दिस थिंग एंड कीप ऑन लाइक मेकिंग चेंजेस टू योर स्टोर, या फिर जो भी आपका प्रोसेस है इस टाइम पे, लाइक एनडीआर कॉलिंग का हो गया, कॉल वेरिफिकेशन का हो गया, अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करो। हर किसी के लिए चीजें थोड़ी टाइप की अलग काम करती है। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो दैट्स दी होल थिंग। बाकी अगर आप स्टेप बाय स्टेप चाहते हो कि पूरा इंडियन ई-कॉमर्स का सीखना, तो मैंने एक कोर्स क्रिएट किया हुआ है एंटरप्रेन्योर ई-कॉम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, एंड आपको उसमें फिर गाइडेड तरीके से पूरा पता चल जाएगा इंडियन ई-कॉमर्स कैसे काम करता है, ऑर्डर्स कैसे आते हैं, आपको ऑर्डर्स लेट्स से आपको वेयर हाउस नहीं रखना है अपना, आपको हमारे थ्रू ड्रॉपशिप करवाना है, वो चीज़ भी आप कर सकते हो, जिसमें शिपिंग लेबल आपका होगा तो जो मनी आएगा वो भी आपके अकाउंट में आएगा। तो वो सब चीज़ें हमने इस पर्टिकुलर इंडियन ई-कॉमर्स कोर्स के लिए रखी है, एक पूरा वेयर हाउस वगैरह जहाँ से हम आपके ऑर्डर्स शिप करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें है। बाकी आप चाहो तो आप इंडिया मार्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप अलीबाबा से भी ऑर्डर कर सकते हो, उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा काफ़ी डिटेल्ड वाली अलीबाबा वाली भी। बट इनिशियली अगर आपके पास बजट कम है एंड आप बस स्टार्ट करना चाहते हो, वॉट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट विद इंडियन ई-कॉमर्स का कोर्स, या फिर आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि आपको कैसे इंडियन ई-कॉमर्स स्टार्ट करना है, एंड जब आपके पास ऑर्डर्स आएंगे आप देख सकते हो कि वो प्रोडक्ट कहाँ पे इजीली अवेलेबल है, एंड फिर आप एक बार जब आप पूरा प्रोसेस के थ्रू जाओगे, ऑर्डर्स फुलफिल करना, कितना आरटीओ कैसा होता है, डिलीवरी कैसे देखते हैं, उसके बाद चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती है। तो इट्स जस्ट एक प्रोसेस, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है। इनिशियली इसमें चैलेंजेस आएंगे, हर चीज़ में चैलेंजेस आएंगे, इट्स जस्ट कि यू हैव टू ओवरकम वो सारे चैलेंजेस, एंड जब आप ओवरकम करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड हो जाता है, एंड उसके बाद चैलेंजेस आप काफ़ी इजीली ओवरकम कर लेते हो। तो इट्स जस्ट एक जर्नी, फोकस ऑन द जर्नी एंड लाइक ट्राई टू बी इनोवेटिव इन दिस जर्नी, आप काफ़ी ईजिली इसमें फिर ग्रो कर जाओगे। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी आपको कोई भी और डाउट्स है आप नीचे कॉमेंट्स कर सकते हो, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू।